ने कर्नाटक में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और इस पृष्ठभूमि में इस जीत का पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में ठाणे के कल्याण शहर में शहर कांग्रेस की ओर से हर्षोल्लास के साथ जीत का जश्न मनाया गया। इस समय आम लोगों ने दक्षिण में भाजपा को खारिज कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा सचिन पोटे ने किया। इस मौके पर ऐसी ही एक तरकीब का इस्तेमाल किया गया है। कल्याण कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित जयंती समारोह में कल्याण के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर ढोल ताशा, पटाखों और पेड़े की धूम रही। बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी सचिन पोटे, सुरेंद्र अधब, शकील खान, दशरथ पाटिल, शैलेश खंडेलवाल, मुन्ना तिवारी, महिला पदाधिकारी कंचन कुलकर्णी आदि मौजूद रहे। सर्वप्रथम में आमचे नेते सोनिया जी गांधी, आमचे नेते आदरणीय राहुल जी गांधी, आमचे कांग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी, आमच्या महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पाटोळे साहेब, तसेच प्रियंका गांधी जी, तसेच आमचे मार्गदर्शक संजय दत्त साहेब, आणि याच्यानंतर सर्वात प्रथम मी कर्नाटकची जी सर्वसामान्य गोरगरीब जनता आहे त्यांचे सर्वांचे अभिनंदन करेल, सर्वांचं अभिनंदन मानेल। ये तो अभी झाकी आहे, पूरा देश अभी बाकी आहे। NBCN News के लिए अक्सान सारी की रिपोर्ट।